सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे जरा। मैं अशोक कुशवा जी, पूर्व पार्षद जी, महानगर प्रभारी जनता पार्टी आगरा जी। चलिए थैंक यू सर। एक बात जानना चाहेंगे हम आपसे। हाँ जी। ये आपका जो 1 से 7 तारीख तक का जो जनता पार्टी का जो धरना चल रहा था, आपके 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अच्छा। अब आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार जो 1 जून से लेकर 7 जून तक जो हमने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ घर पर बैठ के फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने घर पर बैठ काली पट्टी बांधकर हमने जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जी। अब हमारा 1 सप्ताह का कार्यक्रम था। आज हम आगरा के डीएम साहब को जी, डीएम साहब के माध्यम के द्वारा जी, महामहिम राष्ट्रपति व राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जो हमारी सरकार से मांगे हैं जी। जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ थी लॉकडाउन के समय, तो हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगें थी दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार को रोका जाए जी। अभी भी जो मजदूर अपने अपने घरों तक नहीं पहुंचे हैं जी, उन्हें उनके घर तक सरकारी खर्चे पर पहुंचाया जाए। मजदूरों को उनकी फौरी समस्याओं का निराकरण के लिए एक मुश्त कम से कम 15,000 रुपये और दिए जाएँ, और जब तक मजदूर की स्थिति ठीक ना हो 7,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने चाहिए जी। किसानों को उनके उत्पादन का सार्थक मूल्य बिना बिचौलिए के उपलब्ध कराया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, और छोटे व्यापारी या फुटकर दुकानदारों को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। मलिन बस्तियों में रह रहे श्रमिक मजदूरों का बिजली का बिल लॉकडाउन की अवधि का माफ किया जाए। किसानों के खेतों में आवारा पशुओं द्वारा फसल का नुकसान किया जा रहा है, आवारा पशुओं को गौशाला में बंद किया जाए। ये हमारी ज्ञापन में 8 मांगे हैं जो डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी को भेजी जा रही हैं जी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।